देखो गाइस, जो गाड़ियाँ जा रही हैं बार बार, तो उन पे बोंके जा रहा है, जा नहीं रहा है मेरे साथ। अभी देखो इसके रिएक्शन चेक करो, जा ही नहीं रहा। कहता मेरी मालकिन नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। दीदी जाती थी तो तब ये मेरे साथ चले जाता है, जैसे भी ऐसे करके इसको। अभी मैं ऊपर ही लेके जाता हूँ, पॉटी वगैरह करवाता हूँ, तो घर पे छोड़ता हूँ इस गंदे को। और क्या करना है, जाता ही नहीं उनके भी, उनके बिना कहीं जाता ही नहीं है ये। देखो गाइस, आ ही नहीं रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा है। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई के ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। हर बार की तरह रविवार को हम बाबा जी के स्थान पे जाएंगे, आपको आज नई जगह पर लेकर जाएंगे हम। मेरे नानी घर वाली साइड ही है, उसी नई जगह पे हम चलेंगे। गाइस अभी मैं घर से निकल चुका हूँ बाबा जी के स्थान पे जाने के लिए, तो आज आप गेस करना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपको नई जगह पर लेके जा रहा हूँ, आप कभी भी वहाँ गए नहीं होंगे। मैं अभी मासी के घर से आ चुका हूँ पूजा वगैरह करके। अभी फिर से मासी के घर पे जाना है। मासी के लड़के ने पैसे दिए, कहता कि यार सेव ला कर दे देना। मैंने बोला ठीक है, लेकर आता हूँ। तो अभी चलते हैं, तो फिर चलते हैं घर पे, घर पर ही मिलता हूँ मैं आपको। पर मैं पहुँच चुका हूँ, ये सामने गाड़ी लगी है, गाड़ी के दूसरी साइड है फ्रूट वाली शॉप। सेब वगैरह लेते हैं, तो फिर चलते हैं वापस मासी के घर पे, दे देते हैं उनके घर पे। मैं वापस निकल चुका हूँ मासी के घर से, ऐसे आधा घंटा ऐसे बैठ के बातें शातें की हमने, चाय वगैरह भी। तो निकल आए हम अभी मासी जी के घर से, जल्द से जल्द चलते हैं अस्थानी कंटीन में सामान लेते हैं। जल्द से जल्द घर पर जाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश आ जाएगी। बस शायद से मैं आज जा भी पाऊँ आपको नई जगह पे लेके, अगर बारिश आ गई तो चांसेस कहीं होंगे जाने के। मैं अभी आ चुका हूँ अस्थानी कंटीन से सामान लेकर। इतना ज़्यादा खास सामान तो मेरे को मिला नहीं, जो मिला तो मैं वो लेकर आ चुका हूँ बाज़ार से, और सामान लेना है फिर घर पे जाना है। आपको घर पर ही मिलूँगा, बाज़ार में मैं शूट नहीं करूँगा। कभी कभार बंदे, कई सारे बंदे हैं इस बाज़ार में, वीडियो बनाता हूँ ना, हमेशा मेरे को बोलते हैं कि हमारी दुकान की वीडियो बनाता है, ये करता है, ये फलाना है, ढींग है। इसलिए मैं किसी का मुंह नहीं लगने जाता, इसलिए मैं ब्लॉग शूट ही नहीं करता हूँ रास्ते में जाते समय। खाली जगह होती है तो जिस जगह पे दुकान वगैरह नहीं होती मैं उधर ही ब्लॉग शूट करता हूँ। मैंने बाज़ार से सामान वगैरह ले लिया है, बड़ा टाइम लगा। घर वाले फ़ोन कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कितनी देर लगी। मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट 10 मिनट, ऐसे बोलता जा रहा हूँ। घर वाले बोल रहे हैं अभी तक तेरे 5-10 मिनट नहीं हुए, तब से यही बोले जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी घर पर पहुँच रहे हैं, घर वालों को फोन आ रहा है। इसलिए आपको घर पर ही मिलता हूँ अभी, बड़ा टाइम लग गया बाज़ार। तो मैं ब्लॉग इसलिए शूटिंग करता हूँ, लोग कभी कभार ऐसे ही बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, आ गया बड़ा वीडियो बनाने वाला। मैं इसलिए ब्लॉग शूट नहीं करता हूँ बाज़ार में। सो गाइस अभी मैं घर पर आ गया था, डूडल को पॉटी करवाने के लिए लेके जाना है। अभी चलते हैं डूडल को पॉटी करवाने के लिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही घर पर पहुँचा हूँ, दीदी कह रही थी पॉटी करवा के आ डूडल को, जा रहा हूँ इसको ऊपर। शुक्र है आ जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है, नहीं तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि ये ऊपर जा ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से घसीट के लेके गया था मैं आपको, मैंने लास्ट सेकंड ब्लॉग में दिखाया होगा। अगर आपने लास्ट सेकंड ब्लॉग मेरा नहीं देखा है जाकर देख लो,
साथ में आप मेरे ब्लॉग पर, ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतनी देर क्यों लगवा रहे हो? रेड कलर का बटन है नीचे, उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ में लाइक कर देना, वीडियो शेयर भी कर देना। अभी मैंने डूडल को पॉटी वगैरह तो करवा दी है, लेके आ रहा हूँ उसको घर पे। ये है साथ में डूडल, डूडल को पॉटी वगैरह करवा कर घर पर आ चुका हूँ। आया है एकादशी का व्रत, आया है मेरा व्रत, अभी खाते हैं व्रत वाला खाना। तो आया है मेरा व्रत, व्रत वाला खाना बनाया है, आपको दिखाते हैं क्या क्या बनाया हमने। घी में घी डालकर बनाया है इसको, और साथ में ये चिल्ली हैं, रेहू और सिंगाड़े के आटे के बनते हैं, ये बड़े मस्त होते हैं। तो खाते हैं अभी, टेस्टी टेस्टी नाश्ता करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। आ चुका हूँ बाजार, नानी जी के घर जा रहा हूँ, मेटाडोर वगैरह तो आ गई है। आज मैं आपको नई लोकेशन पर नहीं लेके जा सकता, जाना तो मैं अभी तक निकल जाता घर से, आज कोई ज़रूरी काम पड़ गया था इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो आप नेक्स्ट वीक मैं आपको उधमपुर लेके जाऊंगा, अपने बाबू जी के स्थान पे भंडारा, वहां पे ब्लॉग शूट करेंगे, आपको दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीक। गाड़ी में बैठ चुका हूँ, 1:30 पे गाड़ी निकलेगी, वेट करते हैं तब तक, 1-2 मिनट आ जाए निकलने वाली है गाड़ी। चलो फिर आपको नीचे घर पे मिलेंगे, घर वाली साइड मिलेंगे आपको। मैं मामू जी के घर पर तो पहुंच चुका था, इधर तो है नहीं कोई भी, मैंने सोचा संडे है मामी आए होंगे, तो अभी निकलते हैं दूसरे घर की ओर, यहाँ पर तो कोई भी मिला नहीं मेरे को, तो अभी नानी जी के घर पे चलते हैं, थोड़ी देर बाद घर पर भी वापस चले जाएंगे दूध वगैरह लेके। मैं आ चुका हूँ नानी जी के घर दूध लेने, अब मैं इस रूम में बैठा हूँ। इस रूम को ऐसा बोला जाता है कच्ची कोठी, कच्ची कोठी में बैठा हूँ मैं। तो अभी ऊपर से दिखाते हैं कैसी है ये, एक ही कमरा है ये, बहुत बड़ा कमरा है, इतना ठंडा कमरा है ना ये, जब लाइट आएगी फैन चलेगी ना, इतना इतनी ठंडी ठंडी हवा आएगी ना, जब लाइट बंद भी हो जाए ना गर्मी में, अगर बंदा इधर बैठा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, जैसे फैन हवा देता है ना रूम में, लेंटर वाले रूम में जैसे फैन हवा देता है, ऐसे ही मज़ा आता है इधर बैठने का, फैन नहीं भी चल रहा हो। अभी तो लाइट बंद हो गई है, मेरे को बिल्कुल भी पसीना नहीं आया है। आपको ऊपर से दिखाते हैं ये छत, ये ऐसी छत है कुछ ऐसी, मेरे को कहीं 3.25 साल हो गए हैं इधर मैं रह नहीं रहा हूँ, मेरा बड़ा ज़्यादा मन है किसी दिन सैटरडे को आएंगे इधर रहेंगे, रात को इसी रूम में रहेंगे, रात को इधर मौसम बिल्कुल ठंडा होता है, इस रूम में बड़ा मज़ा आता है सोने में। पहले मैं 1.5 साल 3 साल पहले मैं इधर रहने के लिए आता था, एक एक दो दो तीन तीन दिन मैंने इधर ही रहना, अभी मैं बड़ी देर से रहा नहीं हूँ इधर, तो किसी दिन लगाते हैं इधर चक्कर, और साथ में रहते हैं। वो लगा छोटा सा फैन, इतनी ठंडी हवा देता है ना ये, बड़ा मज़ा आ जाता है रहने का। मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ नानी के घर से अपने घर की ओर, थोड़ी देर बाद निकलते हैं, अभी वो दूध लेने गए हैं, तो फिर दूध लेके डायरेक्ट घर पर चलते हैं। मैं नानी के घर से घर पे आ चुका था, तो अभी थोड़ी देर बैठे घर पे, चाय वगैरह पी, व्रत वाला आटा ख़त्म हो गया, मम्मी कहती का आटा लेके आ जा व्रत वाला, अभी साइंस स्कूल वाली साइड जा रहा हूँ, वहीं से मिलता है वो व्रत वाला आटा, वहाँ से आटा वगैरह लेते हैं, तो फिर वापस घर पे आते हैं।
हमेशा मैं इधर बाज़ार से आटा वगैरह लेता हूँ, वो इतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा ये सैन स्कूल में मिलता है। बड़ा अच्छा आटा मिलता है ब्रत वाला। तो अभी पहुँचते हैं ब्रत वाला आटा लेने के लिए, चलते हैं गाइस। इसलिए मैंने पीछे कैमरा ऑन नहीं किया, आर्मी एरिया था, सीटी मारना शुरू हो जाते हैं, फिर बोलते वीडियो क्यों बना रहे हो, रीज़न पूछते हैं क्या करोगे क्या नहीं करोगे, फिर क्या पता शूट भी कर दें, मार भी सकते हैं वो हमें। उनको स्टिक का ऑर्डर मिला ना हमारे इधर आर्मी वालों को, स्टिक का ऑर्डर मिला कि ऐसे वैसे हर जगह होती है, बंदे को उड़ा दो चाहे वो इधर का लोकल हो या जो कुछ मर्जी हो। फिर बिहाइंड द सीन केस बनेगा ही नहीं उनके ऊपर, हमें मार भी देंगे ना वो, केस बनेगा ही नहीं उनके ऊपर। तो चलो अभी दुकान पर पहुँचते हैं, पहुँचने ही वाला हूँ, सामान खरीदते हैं और फिर निकलते हैं घर पे। ऐसे थोड़ी सी 100 मीटर आगे जाना है अभी मैंने, चलो ले लेते हैं सामान फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैंने सामान ले लिया है शॉप से और साथ में ग्वाला भी आए हैं, कह रहे हैं कि चल मेरे साथ बाइक के ऊपर, लिफ्ट मिल गई, अभी चलते हैं बाइक के ऊपर घर पे, उसे तो आपको घर पर ही मिलेंगे। ग्वाला भी अभी सामान ले रहे हैं, तो अभी बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया, आपको उजाला उजाला दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ऐसे मेरा मोबाइल तो फुल एच डी है, आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। अभी तक रात को ज़्यादा अंधेरा भी होगा ना, फिर भी ये आपको क्लियर दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा क्लियर दिखाई देगा, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो अभी वाला भी ये सामान ले रहे हैं, लेते हैं तो वो सामान ले लेते हैं, तब तक वेट करते हैं हम, फिर चलते हैं उन्हीं के साथ घर पे। पर तो आ चुका था, सामान वगैरह दे दिया है। अभी ये कुत्ता वॉक करने नहीं जा रहा है, दीदी को वास्क ने काटा है, उनसे चला नहीं जा रहा है, तो ये अभी मेरे साथ जाने का नाम नहीं ले रहा है। अभी इसको जैसे भी तैसे करके कहीं ना तो कहीं पॉटी वगैरह करवाते हैं, फिर इसको घर पे ही छोड़ते हैं, और क्या करना है, ये जा ही नहीं रहा। देखो गाइस जो गाड़ियां जा रही हैं बार बार, तो उन पे बोंके जा रहा है, जा नहीं रहा है मेरे साथ। अभी देखो इसके रिएक्शन चेक करो, जा ही नहीं रहा, कहता मेरी मालकिन नहीं आएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। दीदी जाती थी तो तब ये मेरे साथ चले जाता है, जैसे मैं ऐसे करके इसको अभी मैं ऊपर ही लेके जाता हूँ, पॉटी वगैरह करवाता हूँ, तो घर पर छोड़ता हूँ इस गंदे को, और क्या करना है, जाता ही नहीं उनके भी ना कहीं जाता ही नहीं है ये। देखो गाइस आ ही नहीं रहा, ऊपर भी नहीं आ रहा है।
हॉस्टल से तो जा रहे हैं मेरे साथ, रोड तक तो पहुंच गया हूं मैं अभी। शायद से इधर से बाहर निकले या ना निकले, वापस ही जाना पड़े मुझे घर पे। चल टूटू, मैं बाज़ार जा रहा हूं मेडिकल की शॉप पर। दीदी को वास्प ने काटा है तो दवाई वगैरह ले आते हैं डॉक्टर से, तो फिर घर पर देते हैं दीदी को दवाई। साथ में मैं डूडल को वॉक करवाने के लिए लेके जा रहा था, वो गया ही नहीं। अभी मैंने उसको घर पर छोड़ दिया है, तो अभी दवाई वगैरह लेते हैं तो छोड़ घर पर दे देते हैं। अभी दवाई वगैरह लेते हैं बाज़ार से, घर पर दे देते हैं। इधर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, इसीलिए मैं बैक कैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरे को बैक कैमरा ब्लॉगिंग करने आती नहीं है, तो जैसे भी वीडियो बन रही होगी आप देख लेना गाइस। मैंने कभी भी बैक कैमरा ब्लॉगिंग नहीं की अपना फेस दिखाते हुए। अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, तो मम्मी वो मैं तो बाज़ार से तो आ चुका था। अभी मम्मी कह रहे थे पकौड़े बना ले व्रत वाले, तो मैंने आलू वगैरह छील के रख ली है। मम्मी बोल रही है मैं काट के दे देती हूँ मेरे को, तो तू बना देना। ये मैं आलू वगैरह छील के आ चुका हूँ, तो अभी ऐसे डोल रहा हूँ रोड पे। अरे बारिश पड़ रही है, ऐसा मौसम बड़ा ऐसे ठंडा मौसम है, थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ रही हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। चलते हैं घर पे पकौड़े वगैरह बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी मैं डूडल को छोड़ कर आ गया हूँ, जीजू आ गए थे तो अभी डूडल को छोड़ कर आ गया हूँ। अभी गली में डोल रहा हूँ, ऐसे ही वॉक कर रहा हूँ। बड़ा ठंडा मौसम है बाहर, आज बारिश पड़ी ना थोड़ी सी, इसीलिए मैं बाहर घूम रहा हूँ। तो चलते हैं अभी घर पे। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, डूडल को छोड़ दिया था जीजू के पास, तो अभी अंदर भी पहुँच चुका हूँ। पहले मैंने आपको बाहर भी थोड़ी सी क्लिप्स दिखाई, अभी अंदर आ गया हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, तो अभी सोते हैं। गुड नाइट गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। से नेक्स्ट वीक।